भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। फिर एक बार भारत माता की मोदी, नरेंद्र मोदी अनुप्रिया पटेल, मां विंध्यवासिनी की विकास पुत्री। साथियों, जिसका इंतजार था अब वह मंच पर आ गए हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत हो। फिर एक बार भारत माता की मां विंध्यवासिनी की विकास पुत्री। भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश एवं निषाद पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से आग्रह करूंगा कि जननायक प्रधानमंत्री जी को पुष्पगुच्छ मां विंध्यवासिनी का चित्र दे करके और माता विंध्यवासिनी का चुनरी पहना करके उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण से निवेदन करूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी का महाला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश निषाद पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी से आग्रह करूंगा कि अपने शब्दों के माध्यम से लोकनायक प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अपना दल के संस्थापक यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मिर्जापुर की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। यह मिर्जापुर का सौभाग्य है कि पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले, भारत माता की जय जयकार कराने वाले, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने वाले और विकास की गंगा बहाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का पांचवी बार हमारे जनपद मिर्जापुर में आगमन हो रहा है। मिर्जापुर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि देश के नेतृत्वकर्ता की दृष्टि इस कदर जनपद पर पड़ी हो। मैं पुनः समस्त जनपदवासियों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूं और मंच पर उपस्थित सभी महानुभवों का, सभी कार्यकर्ता साथियों का, जनपद के कोने कोने से चलकर आए इस जन सैलाब का भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूं। मित्रों, मेरा उद्बोधन हो चुका है। मैं आपके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए बहुत लालायित हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ
कि आज देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है जो दुनिया में देश का मान बढ़ा सके, आतंकवाद का खात्मा कर सके और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सके। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 वर्षों के कार्यकाल में इस बात को साबित किया है। इसलिए आने वाली 19 मई को आप कप प्लेट का बटन दबाकर देश में पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को बनाने के लिए अपना योगदान देंगे, एक निर्णायक और एक मजबूत नेतृत्व को चुनेंगे और न कि एक मुद्दा विहीन खिचड़ी विपक्ष को अपना वोट देकर बर्बाद करेंगे, जिनकी हर 6 महीने में पीएम बदलने की गुंजाइश है और जिन्होंने देश और प्रदेश को लूटने का काम किया है। आप इस देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आने वाली 19 मई को कप प्लेट का बटन दबाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय अपना दल, जय भाजपा, जय निषाद राज, जय हिंद। धन्यवाद बहन जी। प्रचंड नेतृत्व क्षमता से ओतप्रोत, कर्म ही पूजा है सिद्धांत का अनुसरण करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मैं सादर आग्रह करता हूं कि वो अपने श्रीमुख से हम सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबके हाथ जोड़ी के प्रणाम। आज इतना भीड़ देखी के हमके विश्वास हो गवा कि माई विंध्यवासिनी के कृपा हम पर बनावा। और आप लोग का आशीर्वाद भी हमरे ऊपर बना रही। भाई और बहनों, चमड़ी भी जल जाए ऐसी भयंकर गर्मी में भी ये जन सैलाब और चुनाव के 7वें चरण में, और वो भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पे, ये जोश, ये उत्साह, ये उमंग, भाइयों और बहनों, दिल्ली के बड़े बड़े पॉलिटिकल ज्ञानियों को भी इस समय यहां आकर के देखना चाहिए कि लोगों का मिजाज क्या है। अपने सेवक के लिए जनता खुद प्रचार करने निकली है। अपने सेवक को कितना स्नेह, कितना आशीर्वाद दे रही है वो यहां मैं मिर्जापुर में अनुभव कर रहा हूं। ये 2019 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मेरी आखिरी सभा है। यहां से मैं बंगाल के लिए निकल जाऊंगा और कल मध्य प्रदेश में मेरा आखिरी कार्यक्रम होगा। साथियों, आपका ये स्नेह और उत्साह बताता है, जो जुस्सा, जो उत्साह मैं देख रहा हूं, ये साफ बता रहा है कि 23 मई को फिर एक बार भाइयों और बहनों, लेकिन आपका प्यार जितना बढ़ रहा है उतना ही सपा बसपा कांग्रेस वालों की नींद उड़ रही है। उन्होंने हर रोज मुझे दी जाने वाली गालियों का डोज और बढ़ा दी है, लेकिन जैसे जैसे विरोधियों द्वारा गालियों की डोज बढ़ रही है,
जनता मुझ पर अपने प्यार और विश्वास की डोज भी बढ़ाती चली जा रही है। साथियों, मुझे वो महामिलावटी गाली दे रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को, मिर्जापुर को बारी बारी से लूटा था। मुझे वो महामिलावटी गाली दे रहे हैं जिन्होंने मिर्जापुर को नक्सली हिंसा में ढकेल दिया था। मुझे वो महामिलावटी गाली दे रहे हैं जिन्होंने यूपी की खदानों को लूटकर अपनी तिजोरियां भर ली थी। साथियों, मिर्जापुर के लोग तो और अच्छी तरह जानते हैं कि इनके राज में कैसे कैसे घोटाले किए गए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने महापुरुषों के नाम पर स्मारक बनाने का ढोंग किया और उसमें भी घोटाला कर गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने मिर्जापुर को और उत्तर प्रदेश को बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी तरसा के रखा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों को बूंद बूंद सिंचाई के लिए तरसा दिया था। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की चीनी मिले भी बेचकर करोड़ों अरबों रुपये कमा गए। भाइयों और बहनों, जब इनकी महामिलावटी सरकार थी तो इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के उद्योगों को गुंडा राज की भेंट चढ़ा दिया। इन्होंने मिर्जापुर के शानदार पीतल के काम को, यहां के कालीन के कारोबार को बर्बाद कर दिया। साथियों, इनकी कर्म कुंडली में इतने कारनामे हैं कि बताते बताते शाम हो जाए। इन्होंने कभी गरीब की परवाह नहीं की, कभी किसान और महिलाओं की परवाह नहीं की। भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले बुआ के बबुआ यहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा वालों की बात शौचालय से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। साथियों, ऐसी बात वही कर सकते हैं जिसके लिए मां, बहन, बेटियों, इनकी गरिमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का जरा सा भी महत्व न हो। हमारे लिए शौचालय मां, बहन, बेटियों का इज्जत घर है। स्कूलों में शौचालय बने हैं तो बेटियां पढ़ाई कर पा रही है। मां, बहन, बेटियों को शौच के लिए अंधेरा हो इसका इंतजार नहीं करना पड़ता है। साथियों, ये वही काम है जिसकी चिंता राम मनोहर लोहिया जी खुद किया करते थे। वो कहते भी थे कि महिलाओं की सबसे बड़ी दो समस्या है, और लोहिया जी कहते थे महिलाओं के सामने एक समस्या पानी की,
और दूसरी समस्या पैखाना। साथियों, अपने 5 साल इस कार्यकाल में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए। अब दूसरे कार्यकाल में इसी तरह हम पूरी शक्ति पानी के लिए लगाने वाले हैं। नई सरकार में एक अलग पानी के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाने का हमने ऐलान कर दिया है। भाइयों और बहनों, महिला की पानी और पैखाना दोनों समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी ताकत लगने वाली है। भाइयों और बहनों, ये काम खुद को जो लोहिया जी के वारिस होने का दावा करते हैं और वो लोग जो धन और वैभव के अंबार पर बैठे हैं और समाजवादी कहलाते हैं, ये नहीं कर पाए। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए लोहिया जी का ये सपना भी ये चौकीदार ही पूरा करेगा। साथियों, बुआ हो या बबुआ या फिर कांग्रेस के नामदार, यूपी की समझदार जनता को ये लोग सिर्फ जाति में बांटकर देखते हैं। उन्हें लगता है कि वोटर उनकी जागीर है, वो जब चाहेंगे अपनी जागीर एक दूसरे को देंगे। ये लोग अपनी कुर्सी की डील में वोटरों को नहीं अपने कार्यकर्ताओं को भी भूल जाते हैं। साथियों, याद करिए, जब यहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कैसे एक दूसरे के घोर विरोधी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील हुई थी। इस डील के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के साथ चलने के लिए मजबूर कर दिया गया था। जमीन पर काम करने वाले सपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती कहा गया कि हाथ मिलाओ, क्योंकि एयर कंडीशन कैमरे में बैठकर दो लड़कों ने हाथ मिला लिया था। इसके 2 साल बाद, 2 साल के भीतर भीतर ही ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी डील तोड़ने के बाद कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वह हाथ नहीं, एक दूसरे के कॉलर पकड़ो। भाइयों बहनों, 23 मई को भाजपा एनडीए के हाथों पराजय मिलने के बाद सपा बसपा के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को फिर से कहने जा रहे हैं कि आप भी एक दूसरे के कॉलर पकड़ो। साथियों, सपा बसपा और कांग्रेस के इन नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को रिमोट कंट्रोल से चलाने वाला खिलौना समझ रखा है। चाहे कार्यकर्ता अपमानित महसूस करे, चाहे उसका हौसला टूट जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, एक होता है लीडर जो समाज की खुशी के लिए समर्पित होता है और दूसरी तरफ होते हैं डीलर जो सत्ता की अपनी कुर्सी के लिए डील करते रहते हैं। सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के डीलर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता को गलत समझने की भूल कर रहे हैं। यूपी की जनता
मिर्जापुर की जनता जानती है कि कौन भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश और मिर्जापुर की जनता ये जानती है कि कौन आतंकवादी को घर में घुसकर मार सकता है। कौन आतंकी मसूद अजहर पर बैन लगा पर उस पर शिकंजा कस सकता है। कौन देश में पूरे 5 साल भ्रष्टाचार के बिना एक दाग एक सरकार चला सकता है। कौन है जो नक्सलवाद की सफाई कर सकता है। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है भाइयों बहनों। मोदी अकेला नहीं कर सकता है, इसके लिए आपके वोट की ताकत जरूरी होती है। हिंदुस्तान का एक एक वोट चौकीदार को मजबूत बनाता है और ये चौकीदार देश को मजबूत बनाने में लगा रहता है। साथियों, इस चुनाव में नामदारों की पार्टी का यूपी में क्या हाल हो गया ये भी ध्यान रखिए। बांटने और तोड़ने की राजनीति करने वाली पार्टी आज चार चार पीढ़ी जिसने देश की सरकारें चलाई, देश की आजादी के बाद एक ही पार्टी के पास लंबे समय तक सरकार रही, लेकिन आज देश की जनता ने उस पार्टी का हाल ऐसा किया है, हाल ऐसा किया है कि वो पार्टी वाले खुद बोलते हैं कि वे अब वोट कटवा बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी वोट कटवा पार्टी बन गई है। भाइयों और बहनों, नामदारों के अहंकार ने ही इतने वर्षों के शासन के बावजूद देश को इस हाल में बनाए रखा। उनकी सोच है जो उनके नेता बोलते हैं, उनकी सोच है हुआ तो हुआ, उनके मन में एक ही बात है हुआ तो हुआ। आप पूछेंगे नामदारों के राज में बिजली, पानी, सड़क ऐसी सुविधाओं पर क्यों धीमी गति से काम हुआ, तो वो तो यही कहेंगे हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ तो हुआ तो। आप पूछेंगे आतंकवादी हमलों के बाद आपकी सरकार क्यों सिर्फ बयानबाजी करके बैठी रही, तो वो कहेंगे हुआ तो हुआ तो। नामदारों की इसी सोच की वजह से, इसी अहंकार की वजह से अब मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश और देश की जनता कह रही है बस अब बहुत हुआ। साथियों, हमारी सरकार देश की सुरक्षा समृद्धि के लिए निरंतर काम कर रही है। हमारी पहली प्राथमिकता है देश का विकास। सरकार जब विकास करती है तो दशकों से लटकी बाण सागर परियोजना पूरी होती है, खेतों तक पानी पहुंचता है। सरकार जब विकास करती है तो पिपराडाड़ समेत देश में दर्जनों मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, एम्स बनते हैं, आईएम, आईआईटी बनते हैं। सरकार विकास करती है, गरीब के बारे में सोचती है तो गरीबों को 5 लाख रुपए तक के
मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। सरकार जब किसान के बारे में सोचती है तो करोड़ों किसानों के खाते में सीधे पैसे आते हैं। भाइयों और बहनों, आइए उत्तर प्रदेश की धरती से पूरे प्रदेश को संदेश दें कि नए सपनों का शक्तिशाली भारत बनाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। याद रखिएगा, यहां मिर्जापुर में 19 मई को कप प्लेट पर दिया आपका एक एक वोट मोदी के खाते में आएगा। भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव के अभियान में उत्तर प्रदेश में मेरा यह आखिरी कार्यक्रम है। मैं 6 चरण में उत्साह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के लिए उत्तर प्रदेश का भी और देश के मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। 7वें चरण को भी पूरे जोश और उत्साह के साथ, गाजे बाजे के साथ, लोकतंत्र के उत्सव के साथ आप मतदान करेंगे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, आपने मुझे आपकी मदद से, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की मदद से 30 साल के बाद देश को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। इस बार भी उत्तर प्रदेश की मदद से फिर एक बार देश को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी और इस बार तो बंगाल भी जुड़ रहा है और इसलिए अकेला भाजपा 300 पार करने वाला है और हमारे साथी दल, हमारे एनडीए के साथी दल, वे भी पहले से ज्यादा ताकत बन करके उभरने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि बचपन में मुझे झूठे कप प्लेट धो करके जिंदगी शुरुआत करने का मौका मिला। आज उसी कप प्लेट को मिर्जापुर में आकर के चमकाने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, आपके एक वोट से, आपके वोट से एक नई ताकत मिलेगी और मेरा सौभाग्य रहा कि डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल के साथ जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, मेरा बड़ा निकट संपर्क रहा और वे सरदार पटेल के प्रति उनकी श्रद्धा और अमूल कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए उनकी श्रद्धा, उसको लेकर कई बार मुझे उनसे मिलने का मौका मिलता था। आज हमारा जिम्मा है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के सपनों को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत से जुटे और एनडीए की सरकार बनाए, भाजपा अपना दल को जिताए और एक नई ताकत बनके उभरे, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।